आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। देख लो किस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा। और इससे पहले मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी का है, चाहे वो एग्जांपल हो चाहे वो सारे क्वेश्चन हो, सब मैंने करवा रखा है। वन शॉट वीडियो भी डाल चुका है एग्जांपल का और एक्सरसाइज का भी डाला होगा, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करना, वहाँ पर मिल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और ये चैप्टर नंबर 9 है हमारा क्लास 10 एनसीईआरटी, और इसका नाम जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और इसी का नाम जो है हाइट एंड डिस्टेंस भी है, जो कि आपको मैंने आरएस अग्रवाल का सारा क्वेश्चन जो वो मैंने करवा रखा है, तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी देख लेना आप। देखो क्या बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, फिगर बनाना है, फिगर बन गया सब कुछ हो जाएगा हमारा। हमें कहा गया एक टावर है, तो चलो एक टावर पहले बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक टावर, चलिए ये रहा वो टावर। अब आगे कह रहा है कि ये जो टावर है, ये रहा वो टावर हमारा। टावर वाला फील ला दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, है ना, तो थोड़ा सा देखने में लगेगा कि हाँ टावर है, तो वही टावर है हमारा। अब क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस टावर का जो है ना एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बोल रहा है कि जो टावर है इसके फुट से 30 मीटर दूरी पे, ये 30 मीटर है यहाँ से, 30 मीटर दूरी पे कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप को देखा जा रहा है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से जो है देखा जा रहा है टॉप ऑफ द टावर को, तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। वॉट 30 डिग्री। तो हमें बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो कितना ईजी है, अगर ए है दिस इज योर बी है दिस इज योर सी, कितना ईजी है हमारा क्वेश्चन, यही हमें हाइट निकालने के लिए कह दिया गया है कि हाइट आप जो है टावर का ये निकाल के बताइए, कितना ईजी, कितना ईजी। अब तुमने सोचो कि अगर ये ट्राइंगल है हमारा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो पी और बी का रिलेशन दिखाता है 10, तो हमारा काम बन गया, और करना क्या है इसमें। तो देखो तो क्या बोल रहा है, हमें बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालने के लिए कहा गया। चलिए तो उसको देखो, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, सोल्यूशन देख लो अब। तो क्या बोल रहा है हमें कि इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री एट कहाँ पर है, बी पर है। चलिए तो अब क्या होगा, जरा सोचो तो ए 10 30 डिग्री था, तो मैं 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 10 ही रहता है पी बाय बी, तो पी है हमारा ए बी, ए बी अपॉन बेस, बेस हो गया हमारा बी सी। चलिए तो 10 30 का वैल्यू होता है भाई हमारा √3, 1/√3 होता है, तो 1/√3। चलिए तो इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी, ए बी हमारा कितना है, ए बी ही तो हमारा एच है, यही हाइट ऑफ द टावर है, यही निकालना है, इसको एच मैंने माना है। और क्या हो गया बी सी, बी सी हमारा 30 डिग्री है, 30 मीटर है, तो जैसे 30 मीटर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप एच का वैल्यू निकाल लो, तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि 30, ये देखो 30 आ जाएगा, तो 30/√3 हो जाएगा, तो 30/√3 हो गया। अब ये नीचे इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 से नीचू और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हमें मालूम है, रेशनलाइज इसी तरह करते हैं। एक्सरसाइज 1F, एक्सरसाइज आरएस अग्रवाल चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 1 जाके आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको हो जाएगा, मिल जाएगा, मैंने पूरा का पूरा रेशनलाइजिंग पढ़ाया है, अगर रेशनलाइजिंग में दिक्कत है आपको तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक्सरसाइज 1F है। आइए तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि एच इज इक्वल टू हो जाएगा 30√3 अपॉन √3 × √3 यानी कि 3 हो गया, ये कटेगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि फाइनली जो का जो आ गया, तो देयरफॉर हाइट, हाइट ऑफ द टावर, टावर इज कितना हो गया हमारा 10√3 मीटर, यही हो गया हमारा हाइट ऑफ द टावर। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया है ना। अब फर्दर अगर √3 का वैल्यू अगर आपको पुटाना है तो पुटा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला कि √3 का वैल्यू पुटाइए, तो हम क्यों खामखा का झमेला पालें, है ना। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन। अब जो है हम लोग मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।